वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम की अचार की रेसिपी। इस अचार को आप बिना धूप में दिखाए भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg आम, सरसों का पाउडर, खड़ा अजवाइन और मंगरेल, काला नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अचार का मसाला जिसे मैंने खड़े मसाले से बनाया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। खड़े मसाले में मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आप चाहें तो आधा चम्मच मेथी भी ले सकते हैं, और 8 से 10 लाल मिर्च जिसे हम तवा पे रोस्ट करके हल्का दरदरा पीस लेंगे, और अचार में डालने के लिए सरसों का तेल। सबसे पहले हम आम को धोकर सुखा लेंगे और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर धूप में सनड्राई कर लेंगे लगभग 1 दिन। उसके बाद हम मसाले का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए, अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब हम उसमें 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे जब तक कि तेल से धुआं आने लगे। जब तेल से धुआं आने लगे तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से ठंडा कर ले या हल्का गुनगुना रहे तब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेल डाल दिया है। अब हम इसमें आम के अकॉर्डिंग सरसों का पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ 1 kg आम लिया है तो इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून सरसों का पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 भून के तैयार किए हुए मसाले, आप चाहें तो उसे पूरा बारीक पीस सकते हैं या उसे हल्का दरदरा पीस सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अब जो होल मसाले हमने लिए थे उसे हम गर्म करके पाउडर कर लेंगे और उस पाउडर में से 1 teaspoon पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हम इसमें काला नमक डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ काले नमक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को हम कटे हुए आम में डाल देंगे। आप चाहें तो सारे मसाले डाल सकते हैं या चाहे तो आप 1 या 2 टेबलस्पून मसाला बचा लें और पहले आम में सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अचार में मसाले को मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि मसाला कम है तो आप इसमें बचा हुआ भी मसाला डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मसाले के प्रिपरेशन करते समय नमक थोड़ा कम डाला है। नमक हम कम इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आम सूखने के बाद आम में नमक ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो उस स्टेज पे क्या होता है कि अचार थोड़ा ज़्यादा नमकीन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नमक कम डाला है। अचार रेडी होने के बाद, चखने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें और नमक जाना चाहिए तब हम इसमें और नमक डाल देंगे। अब हम सारे मसाले को मिला के इसे 1 या 2 दिन कपड़े से ढककर सुखा लेंगे या आप इसे ड्राई सूखे हुए कांच की बर्नी में डाल लें। अचार को हमेशा कांच की ही बर्नी में रखना चाहिए। बर्नी में डालकर इसके मुंह पर कपड़ा बांध कर इसे धूप में रख सकते हैं या इसे ढक्कन लगा के रखते हैं। इस तरह से आप अचार बनाएं। और मेरी वीडियो आपको पसंद आते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।